अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त ईद कुर्बान की शॉपिंग जो है वो पूरे अरूज पे है और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं कोई अच्छा बकरा लेला या कोई बैल या अपना बेड़ा ख़रीद लूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए जब भी कि आप कुर्बानी के लिए एनिमल ख़रीद रहे हों। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे एक सेहतमंद, तंदुरुस्त, मोटा, ताज़ा और सस्ता एनिमल मिल जाए। तो अब आपके जहन में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि जिससे कि आप बीमार एनिमल ना ख़रीद के लेकर आएँ। कई दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा अक्सर इस तरह होता है कि आप जब कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं वापस अपने घर, तो वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको कई दफ़ा डायरिया या वाह या मूक लग जाती है, कई दफ़ा उसको अफारा हो जाता है, यानी उसकी जो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, कई दफ़ा मुँह से पानी आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं। और जो अपना बंदा लेकर आया है वो भी बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मैं इतना अच्छे इतने पैसों से एनिमल परचेज़ करके आया हूँ, तो अब जो एनिमल आके बीमार हो गया, कई किस्म में वो एनिमल जो है वो कुर्बान होने से पहले ही ज़ाया हो जाता है। तो अब आपके जहन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप सेहतमंद जानवर लेकर आएँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उसके मुंह से। आप कोई भी जानवर जो है वो आप बकरा ले रहे हैं, छतरा ले रहे हैं, बैल ले रहे हैं, कोई भी एनिमल जो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने पहले देखना है कि उसके जो नथने हैं वो हल्के हल्के गीले होने चाहिए, यानी कि नथनों में से पानी ना आ रहा हो या वो बिल्कुल सूखे ना हो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हल्का हल्का उसके अंदर जो है नमी या मॉइस्चर होना चाहिए। फिर आप उसका देखें, उसके सींग वगैरह को अगर उसके हैं तो उसको आप हिला के देखें। कई दफ़े इस तरह होता है कि टूटे हुए सींगों वाले जानवरों को, कि सींगों को एल्फी लगा के जोड़ा हुआ होता है ताकि वो जो ऐब है वो कवर हो जाए, वो आपने लाजमी देख रहे हैं। आँखें वगैरह देखनी है, आँखें उसकी पीली ना हों, ये यानी कि जो चीज़ें आपके चेहरे या उसके सर से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपने उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखनी है कि उसके मुँह से पानी ना आ रहा हो। अगर उसके मुँह से पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमल बीमार है और वो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बनेगा। फिर आपने उसकी जो ओजरी या जिसको हम लेफ़्ट फ्लैंक या वक्खी कहते हैं, बाईं साइड वाली वक्खी, वो देखनी है कि वो जो है वो बाहर की तरफ ना निकली हुई हो। अगर तो वो बाहर की तरफ निकली हुई है और आप उसको हल्का सा ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो ढोल की तरह हिलता है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस एनिमल को जो है ना वो बेसन पानी में घोल के पिलाया है, जिसकी वजह से जो है ना उसकी ओजरी के अंदर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से गैसें पैदा होती हैं, और जिससे उसकी वो ओजरी भरी भरी फील होती है और जानवर मोटा मोटा दिखता है, और जो बंदा ख़रीदने के लिए गया खड़ा है कस्टमर, वो उसको मोटा, सेहतमंद, तंदुरुस्त एनिमल समझ के ले आता है। तो ऐसा एनिमल भी आपने नहीं ख़रीदना जिसकी कि जो ओजरी के अंदर हवा हो, वक्खी के अंदर हवा, या उसको फारे का मसला हुआ खड़ा हो, वो भी आपने नहीं लेना। फिर आपने उसके वक्खी को दबा के देखें, अगर तो वो बहुत सख्त है, बिल्कुल ऐसे है जैसे मिट्टी की तरह हार्ड हुआ हुआ है, तो फिर भी आपने नहीं लेना। यानी कि ये एनिमल्स वो हैं जो जिनको मैदे के मसाइल हैं, जो हवा वाले केसेस है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे, और जो बिल्कुल जिनका मैदा बंद है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। फिर आपने कोशिश करना है कि ऐसा एनिमल भी नहीं आपने ख़रीदना जिसको डायरिया या लूज़ मोशन लगे हुए, वो एनिमल भी आपने नहीं ख़रीदना। वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके सारे के सारे बैक साइड के ऊपर वो लगा हुआ होगा। फिर आपने एक चीज़ और देखनी है कि ऐसा एनिमल भी नहीं ख़रीदना कि जो आसपास जो लोग ख़रीदार आ रहे हैं उनको मारने की कोशिश करे, वो एनिमल भी आपने नहीं परचेज़ करना। कई दफ़ा होता है कि एनिमल बहुत ही अग्रेसिव होते हैं लेकिन लोगों ने उनको कुछ थोड़ा बहुत कुछ मेडिकेशन वगैरह दी होती है जिससे वो कुछ गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो आपको ज़रा से भी ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है, मारने वाला लग रहा है, तो वो भी एनिमल आपको नहीं लेना चाहिए। तो अब मेरी कोशिश ये थी इस वीडियो बनाने की कि आपको ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स पता चल जाएँ कि जिससे आपको पता चले कि यार हमने इस तरह का एनिमल ख़रीदना है और इस तरह का नहीं ख़रीदना। इसके साथ एक दो चीज़ें और भी आपने देखनी है कि जो नर हैं उनके जो खसकिए या कपूरे हैं उनको भी आप ज़रूर चेक करें। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जिनके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियली भी वो लगाए हुए हैं, ये आप ऐसे लाजमी देखें। छतरों के केस में आप उनके जो फर है जो ऊपर उनकी ऊन उगी हुई है उसमें हल्का सा हाथ मार के ज़रूर देखें कि नीचे कोई किसी किस्म के ज़ख़म या कोई कीड़े वगैरह ना पड़े हुए हों, क्योंकि भेड़ों में ये प्रॉब्लम भी आता होता है। तो ये कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि अगर आप इंशाल्लाह इनको देख लेंगे तो आपके पास जो है वो एनिमल जो है इंशाल्लाह आपको हेल्दी और अच्छा एनिमल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको ज़रूर जो है वो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और उसको जो है अपना सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।